चलो ठीक है रशीद भाई, डन हो गया। आज हम आपको खिलाएंगे नॉर्थ कराची का बेस्ट पुलाव। ये आ गया आपका हैदराबादी यकनी भी पुलाव। थैंक यू थैंक। अभी सही सीन हो रहा था हमारे साथ, कुत्ते के साथ एक्सीडेंट। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो है कि रशीद भाई ने ले लिया एक नया गाड़ी। गाड़ी के चश्के तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन रशीद भाई मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैनुअल गाड़ी मुझे थोड़ा बहुत चलाना आता है, लेकिन ऑटोमेटिक का क्या सीन है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि इसका गियर का सेटिंग पूरा अलग है, क्लच इसमें है नहीं, पूरा रेस देके चलता है, ये मेरे सीन से जरा आउट है। तो मुझे आज ये आप सिखाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सिखाएंगे भाई, बहरहाल एक छोटा सा पार्टी भी है, बाकी मर्जी आपका है। ठीक है रशीद भाई, डन हो गया। आज हम आपको खिलाएंगे नॉर्थ कराची का बेस्ट पुलाव। ठीक है, ठीक है भाई, चलो मेरी जान। हम जब तक थोड़ा सुनसान जगह पे जाते हैं, आप जब तक गाड़ी के शशके देखें। अच्छा तारिक भाई, अभी आ जाए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी रशीद भाई बताएं, इसमें क्लच तो है नहीं, अभी मैं इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ, गियर लगाएं कैसे? वो ऑटो है ना भाई, अभी डायरेक्ट गियर लगाना आसान है। ये पार्किंग पे है। अच्छा, कार जो है रिवर्स है, डी पे आपको चलाना है। चले जी, ये हमने कर दिया, ले ले डी पे ना। हाँ बस, डी से बिल्कुल पे रटा है बस, तो आराम आराम से चलते जाए। ये बहुत ही आसान है भाई। अच्छा बस ये था, इसके लिए मैं पुलाव खिला रहा था। हाँ ना, नहीं अगर गियर चेंज करना हो, कोई चढ़ाई वगैरह, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल, ये अपनी मिट्टी आ जाए कहीं, मतलब गियर पहले गियर पे करना हो, फिर नहीं नहीं, बस ये चलता रहे, खुद चेंज तो होता रहे। अब लोग बोले इतना नादान बन रहा शायद है भाई, बाकी मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने चलाया नहीं है ना, मैंने मैनुअल चलाया, ऑटो कभी चलाया नहीं। क्या तारिक भाई, मैनुअल से बिल्कुल आसान है, वाकई बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तारिक भाई कुत्ता है ख्याल से भाई। अभी सही सीन हो रहा था हमारे साथ, कुत्ते के साथ एक्सीडेंट। अच्छा आर पे लीजिए, रिवर्स हो गया? नहीं नहीं, आगे न्यूट्रल पे। हाँ अभी रिवर्स हो गया, हल्का सा रेस्ट दे। चले रशीद भाई बहुत हो गया। अच्छा समझ गया भाई, समझ ही गया। अच्छा रशीद भाई, गाड़ी आपने लिया नया? नहीं तारिक भाई, ये मॉडल है 2016। अच्छा, पूरा गाड़ी जेन्युइन है, और मुझे अच्छा लगा कि ऑटो है, कराची शहर में आजकल ज्यादा ऑटो चलता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने ले लिया, और मिला भी माशाल्लाह अच्छी पैसे मुझे। तो भाई एक और बात है, रशीद भाई ने जो गाड़ी लिया ये रेंट पे चला, अगर आपको भी कहीं जाना है, रशीद भाई से मिलना है, तो मैं इनका कार्ड आपको दिखा दे, तो आप फोन करें इनको। ये कराची से आपको कहीं भी जाना हो, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, ऑल पाकिस्तान, आपको कहीं भी जाना हो, रशीद भाई आपको ले जाएंगे, और इनका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अल्लाह खैर करे यार, कोई एक्सीडेंट हो गया। कैसे आके लगा? चलो अल्लाह खैर करे, बचत हुआ। ये करीब साथ में पका था। ये आ गया आपका हैदराबादी यकनी भी पुलाव। बिस्मिल्लाह रशीद भाई। मजेदार, गरम बहुत ज्यादा है। तो भाई हमने पुलाव खा लिया, बड़े मजे का पुलाव होता है इसका। आप जब भी आए, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर एक दो ट्राई करें। मैं इस जगह का लोकेशन भी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, अगर आपको आना हो तो आप आ जाए। तो अभी का सीन ये है कि गाड़ी का एक लाइट आगे वाला चल नहीं रहा, पता नहीं कोई सीन है इसका। तो आगे जाएंगे नागन चुरंगी में, मैकेनिक बहुत सारे दिखाएंगे और उसको बना के आएंगे। तो भाई अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा Q&A वीडियो। उसमें आप जो भी सवाल लिख के मुझे भेजेंगे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें जो भी आपके दिल में सवाल है, या मुझे पर्सनली मैसेज करें, तो आपके जितने भी सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दे दूंगा। मुझे दिली खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देते, और मुझे इंतजार है आपके सवालों का। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।